स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई प्यारी इस वीडियो में। दोस्तों की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे गूगल क्रोम के जो गंदे मैसेज आता है या कुछ भी गूगल क्रोम के जो नोटिफिकेशन आता है उसको आप लोग कैसे बंद कर सकते हो। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि यहाँ पे मेरे फोन में देखो यहाँ पे ये सारा मतलब गंदे गंदे यहाँ पे मैसेज आके रखे है, तो ये सारा भाई बहुत ज्यादा ही मैसेज आ जाते हैं, तो इसको आपको कैसे हटाना मतलब कभी भी आपको ये गंदे मैसेज नहीं आएंगे। दूसरी बात है कि आपको इस तरीके से भी मैसेज आ सकते हैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से मतलब पूरे पूरे मतलब कुछ वार्निंग वगैरह का आता रहता है, कुछ भी आपने इतना कमा लिया ये वो ये मतलब गलत सेक्स रिलेटेड भी आपको आता रहता है, लड़की का व्हाट्सअप नंबर आता है मैसेज में, बहुत गलत 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 जो की चीजें आती रहती है। तो इस मैसेज को मतलब ये जो नोटिफिकेशन है इसको आप लोग कैसे बंद कर सकते हो, देखो यहाँ पे आ रहा यू हैव टू अनरीड मैसेजेज ओके ना, बट ऐसा कुछ नहीं होता, ये टोटली फेक होता है दोस्तों। बट ये इनको आप लोगों को बंद कैसे करना है ये मैं आज की इस वाली वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए। चलिए आज की इस वाली मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोस मिलती है और मिलती रहेगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग को ओपन कर लेना अपने फोन का। यहाँ से मैं कर लिया हूँ सेटिंग को ओपन। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, आपके मोबाइल में अलग अलग तरीके से होगा। मेरे मोबाइल में यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन तीसरे या चौथे नंबर पर, रियलमी या रेडमी फोन में आता है नोटिफिकेशन का अलग से ऑप्शन, आपको नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डिवाइस ऐप नोटिफिकेशन मिल जाता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से ऑप्शन मिल जाता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में सबसे ऊपर में लिखा हुआ है कंट्रोल नोटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल ऐप, आपको सबसे ऊपर में क्लिक कर देना है ऐप सेटिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे क्लिक करोगे देखो सारे ऐप आ चुके हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको गूगल और क्रोम दोनों, अगर आपका कोई अदर ब्राउजर है ब्रेव ब्राउजर हो चुका है वहीं से अगर मैसेज आ रहा है तो उसको आपको लेना है। मेरे को क्रोम के मैसेज आते हैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ से गूगल को ओपन करूँगा। एक देखो यहाँ पर मुझे गूगल मिल चुका है और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर मुझे क्रोम भी मिल चुका है। अब यहाँ पर ये दोनों में ना क्या होगा, इनेबल होगा, आपको ये दोनों को देखो यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ है ना, ये इनेबल है, इसको आपको कर देना है बंद। यहाँ पर मैं गूगल को भी बंद कर दिया, क्रोम को भी बंद कर दिया, इतना कर देना आपको, और फिर बीच में आपको क्लिक करके ये पूरा पूरा निकाल देना है, बस आपका काम हो गया। अब ना ही आपको कोई भी गंदे मैसेज आएंगे, कभी भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा ओके ना, गंदा मैसेज ही नहीं आएगा। क्या होता है कि ऐसे गंदे मैसेज आते क्यों है पता है, आप कोई मतलब गलत वीडियो देख लेते हो या कोई भी ऐसी मतलब वायरस वाली वेबसाइट पे चले जाते हो और वहीं पे आप लोग कुछ अलाउड वगैरह कर देते हो तभी ऐसे मैसेज आते हैं। बट आपको एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि दोस्तों कोई भी वेबसाइट हो आपको कभी भी अलाउ नहीं करना है। अगर आपको लगे कि नहीं ये रियल ओरिजिनल वेबसाइट है तो ये अलाउ करो, बाकी कुछ भी वेबसाइट आई और बहुत सारे लोग सीधा अलाउ कर देते हैं, ये भाई आपकी सबसे बड़ी गलती है, इसकी वजह से ऐसे मतलब गंदे गंदे मैसेज आते रहते हैं, तो आपको कभी भी अलाउ नहीं करना है। बाकी मैंने आपको बता दिया कैसे मैसेज को बंद करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही प्यारी सी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, एक बार जाके उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कर लेना।